हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो ओपन ऑफिस कैल्क को लेकर बना रहा हूं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के इस वीडियो में है क्या। यहां पर देख सकते हैं ये ओपन ऑफिस कैल्क मैंने ओपन कर लिया है। यहां पर इसकी विड्थ बढ़ानी है तो आप यहां से ड्रैग करके बढ़ा सकते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और इसके विड्थ को इंक्रीज कर लेते हैं यहां से जाकर के, ठीक है। तो अभी ये पूरा आपको दिखाई पड़ रहा है, इस पर बॉर्डर भी लगा लेता हूं मैं कुछ इस तरीके से। यहां पे दो चीजें दी गई हैं, एक तो एम्प्लॉय का नेम है, दूसरा उनकी सैलरी की बात है, ठीक है। तो ये दो ही चीजें हैं, ठीक है। और अब यहां पर बॉर्डर बनाना है तो बॉर्डर बनाने के लिए आप यहां पे जा सकते हैं, ये देख सकते हैं। यहां पर आएंगे तो यहां पर आपको बॉर्डर्स मिल जाता है और यहां पे ऑल बॉर्डर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पे बॉर्डर भी लग जाएगा। अब ये बॉर्डर लग गया है लेकिन हम ये चाहते हैं इनकी सैलरी रुपीज के फॉर्मेट में दिखाए, तो इस पूरे डेटा को आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और कहां जाना है, यहां पर आपको प्रॉपर्टीज मिल जाएगा। अब यहां पर ये देख सकते हैं ये प्रॉपर्टीज का बटन आपको मिलता है, और अगर ये आपको इस तरीके से नहीं दिखता है, अगर ये बंद है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर तो इसी प्रॉपर्टीज पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और फिर आपको नीचे ये इस तरीके से आ जाएगा। और अब हमें ये जो पूरा रेंज है इसको करेंसी फॉर्मेट में बदलना है और इंडियन करेंसी के फॉर्मेट में बदलना है, ठीक है। तो यहां से इसको थोड़ा यहां पर देख सकते हैं ये नंबर फॉर्मेट दिया हुआ है, एकदम नीचे देखिए नंबर फॉर्मेट दिख रहा है, इस पे प्लस के निशान पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। या यहां पर जो थ्री डॉट्स बने हुए हैं इस पे क्लिक कीजिए। तो जैसे ही थ्री डॉट्स पे क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, ये तो सही है, लेकिन हमें यहां करेंसी का फॉर्मेट रखना है। और जैसे ही करेंसी पे आते हैं तो आपको रुपीज का फॉर्मेट मिल जाता है, यहां पे आरएस लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो यहां से आरएस कर दीजिए और अब यहां से ओके जब कीजिएगा आप तो आप देखिएगा कि आपका जो भी रुपीज का फॉर्मेट है, मतलब आरएस लिख करके आएगा, यहां इंडियन रुपीज आरएस, ठीक है। तो ये लिख करके आएगा, आप जो भी चाहे फॉर्मेट ले सकते हैं। तो यहां पर मैं ये वाला ले लेता हूं और यहां से ओके कर देता हूं। तो जैसे ही ओके किया मैंने तो आपने देखा कि ये हैश सिंबल करके आ गया है, ये कोई एरर वैल्यू नहीं है। इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप रुपीज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बहुत आसान है, ओके। तो अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आई होप कि वीडियो अच्छी लगेगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।